इंदिरा गांधी की शादी फिरोज खान से हुई जो एक पारसी थे, हालांकि कुछ लोग उनको मुस्लिम भी बताते हैं। राजीव गांधी की 1968 में इटली के रोमन कैथोलिक धर्म की सोनिया गांधी से शादी हुई। राजीव गांधी और सोनिया गांधी के दो बच्चे हुए जिनका नाम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी की शादी रॉबर्ट वाड्रा से हुई, लेकिन जब फिरोज खान और इंदिरा गांधी के बेटे हुए संजय और राजीव तो दोनों गांधी हो गए। पारसी या मुस्लिम पिता की संतान जब राजीव गांधी बन गए और उनकी शादी एक रोमन कैथोलिक सोनिया से हुई तो उनकी होने वाली संतान गांधी हो गई। और जब राजीव गांधी और कैथोलिक माँ सोनिया से संतान हुई तो राहुल गांधी हो गए, जो खुद को कोल दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं, जिसमें 3-4 धर्मों का मिश्रण होने के बाद भी पिता के नाना का गोत्र लगाया जा रहा है। इस पूरी कहानी से आप समझ गए होंगे कि राहुल गांधी की जाति और धर्म क्या है। पार्लियामेंट का बजट सत्र समाप्त हो चुका है, अब बरसात के बाद मानसून का सेशन आएगा। इस सेशन में बजट पेश किया गया जिसको लेकर आंध्र प्रदेश और बिहार को अधिक बजट मिलने को लेकर विपक्ष द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया, तो साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए हिस्ट्रिकल स्पीच को भी खासकर कांग्रेसियों ने जमकर प्रशंसा की है। उत्तर प्रदेश के एक तबके ने सपा नेता अखिलेश यादव की भी सोशल मीडिया पर तारीफ की है। दोनों ही नेता इंडिया अलायंस के पार्ट हैं। यूपी में भाजपा की 34 सीटें और सपा को 37 सीटें मिली है, तभी से अखिलेश यादव के पांव जमीन पर नहीं है। वो जब चाहें जैसे चाहें हिंदुओं को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। अयोध्या से जीत कर आए उनके सांसद को आगे बगल में बिठाना और फिर पूरे संसद में ये साबित करने का प्रयास करना कि जिस राम मंदिर को बनाने के नाम पर भाजपा वोट मांग रही थी, वहां की जनता ने तो समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। ये बात केवल दिखाने की नहीं है, बल्कि देश के 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान करने के रूप में बार बार बताई गई है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस के नेताओं ने खूब कहा कि भाजपा की तीसरी बार सरकार बन गई तो हमारा संविधान खत्म कर देगी, दलितों का आरक्षण छीन लेगी, लोकतंत्र का गला घोंट देगी। साथ ही ये भी वादा किया गया कि देश के हर परिवार की एक महिला को 8,500 रुपए प्रतिमाह खाते में दिए जाएंगे और जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। हालांकि नए इंडिया अलायंस की सरकार बनी और नए ही रुपए देने की नौबत आई, नए ही जाति जनगणना की स्थिति बनी। वैसे इस तरह का वादा पूरा करना संभव नहीं है। इन नेताओं ने हिंदुओं को जमकर बांटा और मुसलमानों के एक मुश्त वोट ले लिए। हालांकि फिर भी भाजपा की सरकार ही बनी, लेकिन जिस जीत की उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई है। जाति जनगणना का मुद्दा खूब उछाला गया, यहाँ तक कि इन नेताओं ने लोगों से जाति पूछ पूछ कर वोट बांटने का प्रयास किया है, जिसमें काफी हद तक सफल भी रहे हैं। और इसके चलते कांग्रेस को 99 सीटें मिल गई। इसका फायदा ये हुआ कि 10 साल बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना गया, अन्यथा परंपरा के अनुसार लोकसभा का नेता भी कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा था। इससे कांग्रेस को संजीवनी मिल गई तो राहुल गांधी को अनाप शनाप बोलने की आजादी मिल गई। परिणाम ये हुआ कि राहुल गांधी ने संसद में जमकर झूठ बोला, अग्निवीर योजना से लेकर जाति गणना कराने का दावा भी किया गया, हिंदुओं के देवी देवताओं को लेकर भी बिना लिखी बातें बोलकर अपने समर्थकों को खुश करने का प्रयास किया। लेकिन पहली बार देखा गया कि संसद में नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे व्यक्ति ने इस पद का बेजा फायदा उठाते हुए जमकर झूठ बोला। आरक्षण, अग्निवीर, संविधान, जाति जनगणना से लेकर हर बात को संसद में उठाया गया, लेकिन आंकड़े सच नहीं थे। इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर सांसद अनुराग ठाकुर ने बखूबी दिया। हालांकि जितना पुरजोर इसका विरोध करना चाहिए था उतना भाजपा नहीं कर पाई, जो पिछले कुछ वर्षों से इस दल की कमजोरी बनती दिख रही है। सोशल मीडिया पर भाजपा इतनी कमजोर हो गई है कि विपक्षी दलों के झूठ का ठीक से खंडन भी नहीं कर पा रही है। बड़े नेताओं के भरोसे में भाजपा के नए नेता ब्रांड भी नहीं बन पा रहे हैं। सभी नेता मोदी, शाह, योगी के भरोसे बैठे हैं, जबकि किसी भी दल को अपनी 3 पीढ़ियां पहले से तैयार करके रखनी चाहिए। संसद के बाहर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने लोगों से, यहां तक कि पत्रकारों से भी जाति पूछी, लेकिन जब संसद में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछी तो अखिलेश यादव तेज में आ गए। उन्होंने पुरजोर तरीके से इसका खंडन किया, लेकिन खुद अखिलेश यादव भूल गए कि वो खुद और राहुल गांधी आए दिन लोगों से जाति पूछ पूछ कर राजनीति कर रहे हैं। वैसे तो किसी तरह का ये विवाद संसद में शांत हो गया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जाति जनगणना की हुंकार भरने और बात बात पर जाति पूछने वाले राहुल गांधी की जाति क्या है। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि राहुल गांधी बार बार जाति जनगणना की बात करते हैं, लेकिन वो ये बताएं कि उनकी कौन सी जाति है और कौन सा धर्म है। 27 नवंबर 2018 को जब राहुल गांधी पुष्कर आए थे तब उन्होंने खुद को दत्तात्रेय कोल कश्मीरी ब्राह्मण बताया था। राहुल गांधी ने तब ये भी दावा किया था कि वो जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, यानी वो ब्राह्मण हैं जो खुद को सबसे ऊंचा बताया करते हैं। अब इसका जवाब समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी की जाति और धर्म क्या है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ब्रिटिश काल में प्रयागराज हाई कोर्ट में अंग्रेजी एडवोकेट थे। उन्होंने तब अंग्रेजी वकालत की थी जब भारत में बहुत कम युवा अंग्रेजी पढ़े थे। बाद में उनको एक पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। बेटे का नाम जवाहरलाल नेहरू था जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। मोतीलाल नेहरू खुद को दिल्ली का राज कोल ब्राह्मण बताते थे। इस तरह से जवाहरलाल नेहरू भी कोल ब्राह्मण हुए। नेहरू की एक बेटी हुई जिनका नाम इंदिरा गांधी था। इंदिरा गांधी की शादी फिरोज खान
खान से हुई, जो एक पारसी थे, हालांकि कुछ लोग उनको मुस्लिम भी बताते हैं। इंदिरा गांधी भी भारत की प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी के दो बेटे हुए, संजय गांधी और राजीव गांधी। राजीव गांधी की 1968 में इटली के रोमन कैथोलिक धर्म की सोनिया गांधी से शादी हुई। सोनिया गांधी का नाम नी माइनो था। बाद में वह राजीव गांधी से शादी हुई तो नाम बदलकर सोनिया गांधी रखा गया। सोनिया गांधी ने धर्म बदला या नहीं, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। राजीव गांधी और सोनिया गांधी के दो बच्चे हुए, जिनका नाम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी की शादी रॉबर्ट वाड्रा से हुई, जो एक ईसाई है। इसके बाद प्रियंका गांधी का नाम बदलकर प्रियंका गांधी वाड्रा हो गया, जो वो खुद लिखती हैं। अब आप राहुल गांधी की जाति और धर्म को समझने का प्रयास कीजिए। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा की शादी फिरोज खान से हुई, लेकिन वो इंदिरा फिरोज खान बनने के बजाय इंदिरा गांधी बन गई, जबकि गांधी शब्द से इनके परिवार का दूर दूर तक रक्त का कोई संबंध नहीं था। मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू देश की आजादी की लड़ाई के समय एक साथ काम करते थे। राहुल गांधी के दादा यानी फिरोज खान एक पारसी या मुस्लिम थे, लेकिन जब फिरोज खान और इंदिरा गांधी के बेटे हुए संजय और राजीव, तो दोनों गांधी हो गए। इससे भी आगे चलकर एक और चमत्कार हुआ। पारसी या मुस्लिम पिता की संतान जब राजीव गांधी बन गए और उनकी शादी एक रोमन कैथोलिक सोनिया से हुई, तो उनकी होने वाली संतान गांधी हो गई, यानी ब्राह्मण हो गई। मतलब एक पारसी या मुस्लिम पिता और नेहरू माँ की संतान राजीव गांधी हो गए, और जब राजीव गांधी और कैथोलिक माँ सोनिया से संतान हुई तो राहुल गांधी हो गए, जो खुद को कोल दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं। कोल दत्तात्रेय ब्राह्मण मोतीलाल नेहरू थे और उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन उनकी बेटी का पोता भी कोल दत्तात्रेय ब्राह्मण हो गया। बड़ा अजीब सा विषय है, जिसमें 3-4 धर्मों का मिश्रण होने के बाद भी पिता के नाना का गोत्र लगाया जा रहा है। इस पूरी कहानी से आप समझ गए होंगे कि राहुल गांधी की जाति और धर्म क्या है, और इसलिए राहुल गांधी हिंदुओं में जाति जनगणना करवाना चाहते हैं, ताकि जिस जाति की संख्या अधिक है उसको टारगेट किया जा सके। मुस्लिम पहले से ही उनके साथ हैं। जैसे ही दलित, आदिवासी और छोटी जातियों को तोड़ लिया जाएगा तो भाजपा का किला ढह जाएगा। यही सबसे बड़ी वजह है कि जाति जनगणना का नैरेटिव बनाया जा रहा है। हालांकि इससे जातियों के बीच वैमनस्य बढ़ेगा, लेकिन राहुल गांधी को इससे क्या मतलब है। एक और ताजा डेवलपमेंट ये हुआ है कि पूर्व सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने 3 ट्वीट करके कहा है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरी है, जिसमें उन्होंने खुद को 2003 से ही ब्रिटेन का नागरिक बताया है। इसके बाद स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि सोनिया गांधी द्वारा ब्लैकमेल किए जाने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार के सदस्यों पर तमाम तरह के आरोप लगने के बाद भी आज दिन तक एक्शन नहीं लिया है। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी लंबे समय से गांधी परिवार के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस कर रखा है, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पर हैं। स्वामी कहते हैं कि दोनों को जमानत दिलाने का काम भी नरेंद्र मोदी ने ही कर रखा है, अन्यथा छोटे से छोटे मामले में भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है।